हेलो एवरीवन, देखिए आज हम लोग बात करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके, पिछले कुछ वीडियोस में मैंने साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का कैसे आप सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मैथड से, सब्स्टिट्यूशन मैथड से एंड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैथड से कैसे क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे वो मैंने बता दिया है। जाके उन सभी वीडियोज़ को देखिए, वहाँ से प्रैक्टिस कीजिए और वीडियोस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि और स्टूडेंट्स को बेनिफिट हो। आइए देखते हैं आज कंडीशन फॉर सॉल्वेबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशन, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। कहा गया अ सिस्टम ऑफ जो लीनियर इक्वेशन है a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c3 equal to 0, यह सेट टू बी कंसिस्टेंट। कब कंसिस्टेंट होगा, मतलब इसका एटलीस्ट वन सॉल्यूशन होगा तो वो कंसिस्टेंट होगा, और अगर नो सॉल्यूशन, इट हैज़ नो सॉल्यूशन एट ऑल, अगर एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा तो वो हो जाएगा इनकंसिस्टेंट। तो देखते हैं, थोड़ा सा मैं ध्यान में रखिएगा। और यूनिक सॉल्यूशन कब होगा ये भी देख लेते हैं। जैसे सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमारे पास है, ये वाला ए वन एक्स प्लस बी वन प्लस सी वन इक्वल जीरो, ए टू एक्स प्लस बी टू प्लस सी टू इक्वल जीरो, हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। कब होगा, जब ए वन बाई ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन बाई बी टू। ए वन बाई ए टू जब बी वन बाई बी टू के बराबर नहीं होगा तो वहाँ जो बताया जा रहा है वहाँ यूनिक सॉल्यूशन होगा। एंड द सॉल्यूशन जो होगा एक्स इक्वल टू बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन डिवाइड ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन एंड वाई इक्वल टू सी वन ए टू माइनस सी टू एन डिवाइड ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन, ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा एक्स और वाई का। दूसरा हैज़ अ इन्फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इन्फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन कब होगा, जब ए वन बाई टू इज इक्वल टू बी वन बाई टू इज इक्वल टू सी वन बाई सी टू होगा, तब आपका जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है उसका जो सॉल्यूशन होगा वो इन्फाइनाइट होगा। और कहा गया नो सॉल्यूशन, मतलब इनकंसिस्टेंट कब होगा, जब ए वन बाई ए टू इज इक्वल टू बी वन बाई टू इज नॉट इक्वल टू सी वन बाई सी वन बाई सी टू। ओके, हैज़ नो सॉल्यूशन वेयर, ठीक है, इफ ए वन बाई ए टू इज इक्वल टू बी वन बाई टू इज नॉट इक्वल टू सी वन बाई सी टू। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इस तरीके से फिर इस थ्योरी का यूज़ करके हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे। इन सभी को आप ध्यान में रखिए। इस वीडियो में इतना ही। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।